अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने मेरा जो वाइज अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और मुझे क्या किस रीज़न से मेरा वाइज अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले वाइज अकाउंट जानते हैं, वाइज अकाउंट होता क्या है। वाइज अकाउंट एक मल्टी करेंसी अकाउंट है जिससे आप पाकिस्तान में रह के अब्रॉड यूके कनाडा कहीं भी किसी भी आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से आप कहीं बाहर पैसे भेज सकते हैं और बाहर वाले क्लाइंट से अपने जो लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं, जो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहाँ से पैसे ले सकते हैं। इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और किसी कंपनी के थ्रू भी ले सकते हैं। उनको यूएस की यूके कैनेडियन हर तरह की डिटेल्स मिल जाती हैं। सबसे पहले ये क्लियर, तो आप लोग ये आपका जो था ना ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वाइज होता क्या। सेकेंड चीज़, जो ओल्ड यूज़र हैं जो यूज़ कर रहे हैं वाइज पाकिस्तान में अपने क्लाइंट से पैसे मंगवाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए टिप्स हैं ये कि भाई आप लोग पहले जो अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हुए अपनी जो मंथली इनकम है ना वो ईयरली इनकम जो आती है उसको ज़्यादा सेलेक्ट करें, कम सेलेक्ट कर। अगर कम आपने कर लिया, अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकम हो जाती है यार, जो हर कोई ग्रो करता है। जाहिर सी बात है, हर किसी ने ये नहीं कि आप जो $1,000 कमा रहा है वो $1,000 ही कमाएगा। भाई $2,000 भी कमा सकते हो, बड़ी सोचो। तो आप अपना जो मंथली इनकम है ना, ईयरली इनकम जो वहाँ आती है सेलेक्ट करने के टाइम, आप उसको ज़्यादा सेलेक्ट करो, कम नहीं सेलेक्ट करना। क्योंकि अगर उसको कम सेलेक्ट कर दोगे, आप कुछ अर्से बाद आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, वाइज वाले पूछेंगे भाई इतनी पेमेंट आपको आ कहाँ से रही है, आप स्कैम तो नहीं कर रहे, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है आपको पास। अगर वो दोबारा से आपसे एम्प्लॉयमेंट लेटर मांगेंगे या कुछ प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ ऑफ इनकम आपके पास नहीं मिलेगा, देन आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेकंड थिंग, आप लोग वाइज की ना, ये मेरा अकाउंट इस वजह से ब्लॉक हुआ, ये देख रहे हैं आपको मेल आई है, ये मुझे मेल आई थी, ये देखें आपकी स्क्रीन पर सेक्शन लगा है। क्यों सेक्शन, क्या सेक्शन है ये? भाई मैंने ना कस्टमर ने एक पेरे पेमेंट की थी, तो मेरे दोस्त ने मेरा अकाउंट यूज़ किया था, उसने IPTV पेमेंट करवानी थी कोई अपनी, तो उसने मेरे अकाउंट में मेरी अकाउंट डिटेल्स को दी। उस कस्टमर ने उस पर IPTV पेमेंट सर्विसेज लिख के मेमो होता है ना वहाँ पर, मेमो जब वाइल डूइंग पेमेंट यू गेट एन मेमो वाइल डूइंग पेमेंट, आपको ना एक मेमो आता है रेफरेंस मेमो, वहाँ कस्टमर ने लिख दिया IPTV सर्विसेज। दो पैसे उसने एप्पल पे से पे किए थे अपने क्रेडिट कार्ड से, उसके कार्ड से हमारी साइड से पैसे, उसके साइड से पैसे आ गए, और यहाँ पर मुझे मेल भी आ गई कि आपका IPTV ये वाला आपकी मेल है, आपको पैसे आए हैं और आप हमारी IPTV सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, वॉइप पेमेंट्स हम नहीं अलाउ करते आपके, आपने इलीगल एक्टिविटी हुई है और आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, ये आपके सामने मेल है। मैंने उनको काफ़ी मेल्स की कि भाई मैं ये मुझे पता नहीं था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मैंने काफ़ी मेल्स की, बट इनका कहा दिस इज़ द फाइनल डिसीजन, वी कैन नॉट ओपन योर अकाउंट। सो ये चीज़ उन्होंने कह दी मुझे, मुझे तो बड़ा दुख हुआ यार, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, चलता चलाता मेरा अकाउंट, मैंने न्यू बनाना चाहा, न्यू अकाउंट अब पाकिस्तान में, अब वाइज अपना मल्टी करेंसी अकाउंट अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा, अकाउंट की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में। तो भाई लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो अपने इस जो IPTV और वॉइप पेमेंट्स वाले हैं ना, वो भाई वो ये कतन गलती ना करें कि भाई ये कस्टमर को कहें पे करते हुए ये लिखें। अगर बैंक, अब देखें दूसरी एग्जाम्पल, ये आपको स्क्रीनशॉट आ रहा है, कस्टमर ने ये भी उस लड़के ने पेमेंट करवाई थी कस्टमर से IPTV की, तो उसने वहाँ पर कस्टमर ने अपने बैंक अकाउंट से पे किया, मैंने मेरी वाइज अकाउंट डिटेल से, तो उसने बैंक अकाउंट में से पे कर दिया, उसके साइड से चेक कैश्ड हो गया, हमें रिसीव ही नहीं हुआ, एक हफ़्ता हो गया, दो हफ्ते हो गए, उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा नहीं आया, मैंने उसको बताया, तो उसने मुझे मैंने कस्टमर को बताया, तो कस्टमर ने कहा कि मैं अपने बैंक को कॉल करके वो पैसे वापस मंगवा लेता हूँ, देन आपको वाइज से वाइज दोबारा पे कर दे। तो मैंने उसको कहा आपने रेफरेंस नहीं लिखना, उन्होंने रेफरेंस नहीं लिखा, वो फ़ौरन मेरे अकाउंट में विद इन 2 आवर्स में वो अकाउंट में पैसे आ गए और मैंने विदड्रॉ करवा लिया। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, आपका जो अगर वाइज का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, आपने वो रिफ़ंड कैसे लेना है? रिफ़ंड लेने का आसान तरीका है यार, आपने जाना है रेसिपिएंट में जाने के बाद अपना वहाँ पर आपने करना है बैंक अकाउंट ऐड, अपना जिसमें आप विदड्रॉ पहले ही करवाते थे उसी में जाके आपने वही अकाउंट ऐड करना है, वहाँ जाके अपना अगर US में आपकी करेंसी पड़ी है तो US डॉलर सेलेक्ट कर लेना, अगर UK की है, कैनेडियन है, पाउंड हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, कुछ भी है, आपने उसी करेंसी को सेलेक्ट करना है और देन आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ करवा लेना है। ईजी मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आपके पैसे आपको रिफंड पूरी अमाउंट मिलेगी, वाइज पैसे ही नहीं खाता, ये चीज़ वाइज की बहुत अच्छी है। पेपल की नस्बत वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था पाकिस्तान में चलने वाला, बस ये थोड़ी सी गलतियाँ हैं, ये आप लोगों ने ख्याल रख रहे हैं, इन गलतियों से बचें और अपना वाइज अकाउंट बचाएं, और जो लोग मेरे पाकिस्तानी भाई यूज़ कर रहे हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से बचाएं, क्योंकि नया वाइज अकाउंट नहीं खुल रहा। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपने वाइज अकाउंट पाकिस्तान में, आपके पास ID कार्ड है, कुछ लोगों के पास वही ID कार्ड
बाहर जाते हैं तो उनका न्यू आईडी कार्ड बन जाता है, तो वो उस पर भी वाइज अकाउंट बना लेते हैं, अपने इस आईडी कार्ड पे भी वाइज अकाउंट बना लेते हैं। वाइज अकाउंट को जब पता, वाइज वालों को जब पता लग जाता है, वो बच्चे थोड़ी हैं, उनको जब पता लग जाता है आपकी नेशनैलिटी सेम है, आप यहाँ से आपने दूसरा आईडी कार्ड लगा के बना लिया अकाउंट, डुप्लीकेट अकाउंट के तौर पर आपके दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे परमानेंटली। ये भी था वाइज की पॉलिसी में। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इनकम लाजमी आपने जो लिखनी है वो ज़्यादा करनी है, कम ना लिखें, डरेंगे ये ना डरेंगे कि भाई हमारा ये अकाउंट नहीं खोलेंगे, हमसे प्रूफ ऑफ इनकम वो कुछ नहीं मांगेंगे। इनकम ज़्यादा लिखें, और जब पेमेंट होती हैं वो उन पे आप मेमो खाली छुड़वाएं, ब्लैंक मेमो करके उनसे कहें पेमेंट करें। हो सके तो उन्हें कहेंगे होम एंड फैमिली सेलेक्ट कर लें, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, उसमें भी आपने आईपीटीवी पेमेंट्स और वाइप नहीं सेलेक्ट करना। यही चीज़ें थी आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था, वो आपके साथ भाई लोगों आपके साथ शेयर किया। और बाकी रिफंड आपके पैसे कहीं नहीं जाते, वॉइस में जो एक दफ़ा पैसे आ गए आपके आपके ही हैं, वो आपको वॉइस वाले दे देंगे। बाकी ये कि यही मेरी आज की वीडियो में थी, वीडियो थी आज के लिए। और जिन लोगों का पायनियर और वॉइस में डिफरेंस आना या किसी और चीज़ में कोई इशू आ जाए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि मैंने वो सारे अकाउंट यूज़ किए हैं, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो एक ही दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। Basement statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces.